नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश बीजेपी ने उम्मीदवारों को कसौटी पर कसने के लिए एक परफॉर्मर तैयार किया। दो गरीब परिवारों का घरौंदा बिजली की चिंगारी से जलकर हुआ राख। मोहल्ले में ग्राम पंचायत द्वारा सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू करने पर मोहल्लेवासियों ने जताई खुशी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के 6 नगर निगम चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में संकट बंटवारे को लेकर मशक्कत का दौर शुरू हो गया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम के चुनाव होने हैं। इसको लेकर प्रदेश बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी से टिकट चाहने वाले दावेदारों के लिए एक एक प्रपत्र तैयार किया गया है। टिकट चाहने वाले कार्यकर्ताओं को यह पूरा परफॉर्मा भरकर देना होगा। 22 बिंदियों के इस प्रपत्र में तमाम व्यक्तिगत और संगठनात्मक जानकारियां दी होगी, जिनके अलावा टिकट चाहने वाले कार्यकर्ताओं को ये भी बताना होगा कि उस वार्ड में आवेदनकर्ता के अलावा ऐसे 3 और ऐसे कौन से कार्यकर्ता है जो चुनाव जीत सकते हैं। वहीं उसके बाद में बात का वादा भी करना होगा कि पार्टी का प्रत्याशी नहीं बनाए जाने की स्थिति में वह तन मन धन से बीजेपी से टिकट मिलने वाले प्रत्याशी का सहयोग करेगा। इस परफॉर्मे का नाम, पता, अनुभव और साठगांठ के लिए किए गए तमाम दायित्व का जिक्र करना होगा। इसके अलावा पारिवारिक बैकग्राउंड, क्रिमिनल केस या कोई है या नहीं, इसकी जानकारी भी देनी होगी। जीत का क्या आधार है, इसका विवरण भी करना होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार सभी मंडल अध्यक्षों को आवेदन फॉर्म भिजवा दिए गए हैं। जो कार्यकर्ता टिकट चाहते हैं उसे इस फॉर्म को भरकर अपने मंडल अध्यक्ष को जमा कराना होगा। सभी नगर निगम के 560 वार्डों के लिए ये चुनाव होंगे। उसी संख्या के मुताबिक अध्यक्षों को आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे। वही अब खबर घरसाना के लूनिया से, जहां पे नजदीकी ग्राम पंचायत 15 LM के चक 17 LM में भाजपा के जिला प्रभारी मंत्री व नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई पहुंचे, जहां किसान चौपाल का आयोजन किया गया। बिश्नोई ने बताया कि सरकार ने किसान हित के लिए कई फैसले लिए हैं, इसके बारे में किसानों से विस्तार से चर्चा करने पर यहाँ आपके बीच में पहुंचा हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य विपक्ष पार्टियों ने किसानों को बलगलाने का काम किया है, जो कि मोदी सरकार की इच्छा के विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि हाल ही में पास किए गए 3 बिलों के हित को ध्यान में रखते हुए पास किए हैं। इस मौके पर सरपंच किरणजीत कौर, सरपंच प्रतिनिधि लखविंदर सिंह व लूनिया सरपंच प्रतिनिधि गुरदीप सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं अब खबर शोपुरा कस्ती से, जहां पे ग्राम पंचायत रामासरा झारखंड में एक दिवसीय खेल मेले का उद्यान सरपंच आरती जाकर ने दीप जलाकर किया। अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ उनकी प्रतिभाओं को पहचानने की है। यदि गांव की इन प्रतिभाओं को तराशने व उनकी योग्यताओं को पहचानने का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से गांव से अच्छे व प्रतिभावान खिलाड़ी निकल सकते हैं। इसी क्रम में गांव रामसरा झारखंड के सरकारी स्कूल प्रांगण में खेल मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न गांव की 36 टीमों ने भाग लिया तथा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना का परिचय देते हुए खेल का प्रदर्शन किया। 55 किलो भार वर्ग में कबड्डी प्रतियोगिता में रेफरी राजकुमार का विशेष योगदान रहा। सरपंच आरती विनोद जाखड़ की तरफ से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी टीमों ने एक दूसरी टीमों को हराने के लिए जोर लगाया। PHTI ने बताया कि खिलाड़ियों में खूब दमखम है, योग्यता भी है, कमी है तो केवल उनको प्रोत्साहन करने की। इस खेल मेले में दिखा कि इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, उचित मंच व मार्गदर्शन व सहयोग मिले तो निश्चित रूप से ये अपनी प्रतिमा का लोहा मनवा सकते हैं तथा अपने गाँव, राज्य व देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत रामासरा झारखंड की तरफ से इस खेल प्रतिभाओं का आयोजन किया गया। रविवार को 2-2 टीमें खेली, आज सोमवार को फाइनल मैच खेला जाएगा। विजेता टीम को 5100 व उप विजेता टीम को 3100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। टीमों के रहने व खाने का प्रबंध गांव की तरफ से किया जाएगा। ग्राम पंचायत रामसरा झारखंड के युवा प्रगतिशील विनोद कुमार जाखड़ जी, हम इनसे पूछेंगे कि आपके गांव में ये पहली बार खेल मेला आयोजित हुआ है? इतना बड़ा, बड़े स्तर पे पहली बार हुआ।
तो आपने खेल पहले होता रहा है, हमारे बुजुर्ग जो खेल खेलते रहे हैं और काफी लंबे समय तक उन्होंने खेला, उसके बाद काफी वर्षों से बंद ही पड़ा। तो अभी इस बार ये मुझे ईश्वर ने साथ दिया है और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रतिभा निखारने के लिए मैंने ये बड़ा खेल आयोजित। नहीं, आपका मकसद क्या था इस खेल को, खेल का मेले को आयोजित करने का? ये है कि ग्राम पंचायत के मेरे नौजवान भाई जो है उनको उनकी प्रतिभा निखारने के लिए मैंने ये आयोजन करूँगा। प्रतिभाएं निखरे इससे और आज से दूर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 36 टीमें भाग ली है जो सत्य पंजाब राज्य पंजाब से और इस अपने राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों से भी काफी टीमें हैं। 36 टीमें भाग ली। धन्यवाद। वहीं अब खबर सरदारशहर से, जहां पे तहसील के गांव शिमला के अंदर दो गरीब परिवारों का घरौंदा बिजली की चिंगारी से जलकर राख हो गया। शिमला गांव में पूर्व सरपंच ओमवीर सिंह राठौर ने बताया कि गांव की भोपा बस्ती में दो भाइयों की झोपड़ी जलकर राख हो गई। यह आग संभवत शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। जिन दो लोगों के झोपड़े जले हैं उनका नाम सुभाष व राजूराम भोपा है। घटना वाले समय दोनों ही भाई मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे, पीछे से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग इतनी तेजी से लगी कि देखते ही देखते दोनों के झोपड़े जल गए। घटना के बाद में आसपास के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग को बुझाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग के अंदर पूरा का पूरा परिवार का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की मांग है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। पंचायत शिमला में भोपा बस्ती वार्ड नंबर 6 में आग लग गई। दो व्यक्तियों के झोपड़े जल गए, उनमें पूरा सामान जल गया। मैंने प्रशासन को भी अवगत करवाया है कि इनको कुछ सहायता दी जाए और इनको मकान दिया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। और भी कोई दानदाता अगर इनके लिए आगे आए तो पहल उनकी है। इन गरीबों की जो आज जली हुई कुटिया है उसको वापस तैयार करवाई जाए। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पे करौली जिले के सपोटरा तहसील के बूकना गांव में मंदिर पुजारी की निर्मम हत्या को लेकर झुंझुनू जिले के ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मंदिर के पुजारी की अतिक्रमण कर रहे दबंगों ने ग्रामीण में अतिक्रमण को रोककर आधा दर्जन लोगों ने मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जला दिया। इसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतक पुजारी ने मृत्यु से पूर्व हत्या करने वालों के नाम बताए। उन सभी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने, निष्पक्ष जांच कर दोषियों को उम्र कैद व मृत्यु दंड की सजा देने, परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवाने एवं मंदिर के जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने के साथ ही गरीब परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा पीड़ित परिवार को रहने के लिए मकान देने की मांग की गई है। ब्राह्मण समाज के कमलकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। सीएम गहलोत ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक मंदिर के पुजारी की गई हत्या मामले की निष्पक्ष जांच करवाए, इन दोषियों को सजा देने का काम करे। पूरे जिले के ब्राह्मण समाज में काफी रोष है। सीएम ने इस मामले को देखकर दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर बाबूलाल जी वैष्णव, जो कि ईश्वर की आराधना करने वाले, पूजा पाठ करने वाले पुजारी थे, उनकी मर्ममता से इन दबंगाइयों द्वारा जलाकर हत्या कर दी गई, उसको लेकर राजस्थान भर के अंदर ब्राह्मणों के अंदर भारी आक्रोश है। उसको लेकर झुंझुनू जिला ब्राह्मण समाज ने आज पूरे जिले भर के अंदर 22 जगह उपखंड और तहसील कार्यालयों पे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन सौंपा गया है और उसके अंदर विभिन्न मांगे रखी गई है कि जो जिस जमीन को दबंगाइयों द्वारा हत्याने का प्रयास किया, जिसके लिए पुजारी बाबूलाल जी की हत्या की, उसको, उस जमीन को उस पुजारी परिवार के नाम सरकार द्वारा चढ़ाई जावे। उसके अलावा केवल मात्र वो घर के अंदर कमाने वाले व्यक्ति थे, उस परिवार को सहारा देना, सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उनके लिए घर की व्यवस्था करना, 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग समाज उनके लिए करता है और इसके साथ ही उनकी सुरक्षा, एक सरकारी नौकरी जो कि पूर्णतः होनी चाहिए, इन सब मांगों को लेकर आज ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन सौंपा है।
और हम ये जो मुख्यमंत्री महोदय ने आज इसके अंदर वक्तव्य दिया है कि ये तो उनकी पारिवारिक आपसी झगड़ा था, शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार की बात करते हुए। जो अराजकता राजस्थान के अंदर फैली हुई है, कानून व्यवस्था पूर्णतः चरमराई हुई है और वो इस प्रकार की बात करते हैं, ये बहुत ही शर्मनायक है। मुख्यमंत्री जी को तुरंत उनको गिरफ्तार करके और उन सभी दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। और अब खबर पाली के देसूरी से, जहाँ पे उपकंड की आना ग्राम पंचायत में आना गांव में बवारियों के मोहल्ले में ग्राम पंचायत ने लाखों की लागत से सीसी रोड का कार्य शुरू करवाया है। इसके मद्देनजर वह मोहल्ले वासियों ने आग्रह पर ग्राम पंचायत आना से बवारिया के मोहल्ले में सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। साथ ही घरों से निकलने वाले घरों के पानी की निकासी के लिए नालियों का भी निर्माण शुरू करवाया है। सभी मोहल्ले वासियों ने ग्राम पंचायत का आभार जताया है। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से, जहां पे सुवाना पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायतों में शनिवार को हुए सरपंच पद चुनाव में किसी की हार तो किसी की जीत हुई है। सुवाना पंचायत समिति क्षेत्र के मंगरोब ग्राम पंचायत में कमली देवी गुर्जर ने सबसे ज्यादा 1379 मतों से जीत हासिल की है। सबसे कम बर्गदो ग्राम पंचायत की लीला देवी वैष्णव 12 वोटों से विजय रही। ग्राम पंचायत में सरपंच पद कोदूकोट ग्राम पंचायत की मोनिका कीर 548 वोटों से विजय रही। स्वरूपगंज ग्राम पंचायत से पूनम शर्मा 135 वोटों से विजय रही। आमलीगढ़ ग्राम पंचायत से प्यारी देवी बलाई 392 वोटों से विजय रही। पानसार ग्राम पंचायत से मंशा भील 425 वोटों से विजय रही। भोली ग्राम पंचायत से माया देवी 322 वोटों से विजयी। साथ ही गुड़ला ग्राम पंचायत से श्रवण गुर्जर 96 वोटों से विजय रहे। तो वहीं सांगवा ग्राम पंचायत से उदयराम गाडरी 302 वोटों से विजय रही। दूड़िया ग्राम पंचायत से मांगीलाल 512 वोटों से विजय। मुंगंदली ग्राम पंचायत से शंभूलाल गुर्जर 261 वोटों से विजय रही। भोपालगढ़ ग्राम पंचायत से बद्रीलाल जाट 799 वोटों से विजय रहे। जहां पे कोचड़िया ग्राम पंचायत से रतन देवी बैरवा 413 वोटों से विजय रहे। हमीरगढ़ ग्राम पंचायत से रेखा राजपूत 976 वोटों से विजय रही। रामपुरिया ग्राम पंचायत से नर्मदा 144 वोटों से विजय रही। दरीबा ग्राम पंचायत से प्रीति अहिर 404 वोटों से विजय रही। गुवाड़री ग्राम पंचायत से माया देवी 642 वोटों से विजय रही। बरडोक ग्राम पंचायत से लीला देवी वैष्णव 12 वोटों से विजय रही। रीछड़ा ग्राम पंचायत से भैरूलाल सुवालका 816 वोटों से विजय रहे। बलियाकला ग्राम पंचायत से घनश्याम बारेट 229 वोटों से विजय रही। आटून ग्राम पंचायत से लादूराम जाट 329 वोटों से विजय रहे। सैथुरिया ग्राम पंचायत से श्यामलाल गुर्जर 116 वोटों से विजय रहे। आजरिया ग्राम पंचायत से पूर्णिमा कंवर 93 वोटों से विजय रही। रूपारेड़ी ग्राम पंचायत से गीता देवी जाट 311 वोटों से विजय रही। सदड़िया ग्राम पंचायत से बरजी देवी जाट 284 वोटों से विजय रही। कांदा ग्राम पंचायत से अपोनी देवी 74 वोटों से विजय रही। पारूरी ग्राम पंचायत से गोपाल जाट 165 वोटों से विजय रहे। सुवाना ग्राम पंचायत से अमित चौधरी 660 वोटों से विजय रहे। दाताल ग्राम पंचायत से लोकेंद्र सिंह 362 वोटों से विजय रहे। ओजाड़ा ग्राम पंचायत से कालूराम पारिक 158 वोटों से विजय रहे। खेराबाद ग्राम पंचायत से गिरधारी लाल भील 189 वोटों से विजय रहे। कारो कलाई ग्राम पंचायत से भगवती लाल टेलर 379 वोटों से विजय रहे। देवली ग्राम पंचायत से महिमा जाट 124 वोटों से विजय रही। मंगरोब ग्राम पंचायत से कमली देवी गुजर 1379 वोटों से विजय रही। हलेड़ ग्राम पंचायत से लाड देवी आचार्य 304 वोटों से विजय रही। गठीला खेड़ी ग्राम पंचायत से खेरा बलाई 175 वोटों से विजय रही। पीपली ग्राम पंचायत से जगदीश चंद्र 107 वोटों से विजय रहे। मऊ आंकला ग्राम पंचायत से बद्रीलाल चौधरी 597 वोटों से विजय रहे। मालोला ग्राम पंचायत से कालूराम 1319 वोटों से विजय रहे। पतिलियावास ग्राम पंचायत से राजेंद्र कुमार 497 वोटों से विजय रहे। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।